इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और गुरुवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज रात 10:54 तक रहेगी। आज दामोदर द्वादशी का व्रत किया जाएगा। आज शाम 6:18 तक प्रीति योग रहेगा। इसके अलावा आज रात 10:42 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र भी रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायजैद योग की। तो आज ये योग रात 10:55 से कल सुबह 5:36 तक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 2 सितंबर की दोपहर 3 से अगले दिन की सुबह यानी सूरज उगने तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 20 अगस्त की सुबह 5:53 से 10:16 तक और दोपहर 12:36 से रात 8:08 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 29 अगस्त की सुबह 10:09 से 10:20 तक और दोपहर 12 से 2:19 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 20 अगस्त की सुबह 5:53 से 10:16 तक और दोपहर 12:36 से 2:54 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त है। आज सुबह 10:20 से शाम 5:02 तक और शाम 6:45 से रात 11:12 तक। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त है। रात 10:42 से 11:12 तक और रात 1:08 से अगली सुबह 5:53 तक। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 22 अगस्त की शाम 5:32 से रात 8 तक और रात 9:25 से 3:10 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह अशुभ समय 21 अगस्त की सुबह 5:26 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, तुला, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 पहले और 12 बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा दोपहर 2:02 से दोपहर बाद 3:40 तक। मुंबई दोपहर 2:17 से दोपहर बाद 3:53 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:04 से दोपहर बाद 3:43 तक। लखनऊ दोपहर 1:47 से दोपहर बाद 3:25 तक। भोपाल दोपहर 2 से दोपहर बाद 3:36 तक। कोलकाता दोपहर 1:16 से दोपहर 2:52 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:19 से दोपहर बाद 3:55 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:46 से दोपहर बाद 3:20 तक।
ये था कुछ शहरों का राहु काल, और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन व्यापार की गति बढ़ाने वाला साबित होगा। किसी पुराने निवेश से आज आपको फायदा होगा। आज योजना बनाने और फैसला लेने के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज आप पूरा ध्यान अपने कार्यों को पूरा करने में लगाएंगे। मन लगाकर की गई कोशिशें जल्द ही रंग लाएंगी। अगर किसी से अपने मन की बात करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपको किस्मत का साथ मिलेगा। आज आप दूसरों की परेशानियों को समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज पारिवारिक जीवन में चल रहे कुछ महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे। अपना व्यवहार सकारात्मक बनाए रखें। भविष्य के लिए बनाई योजनाओं पर भी आज कुछ सोच विचार करने की जरूरत है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में परिवार वालों की मदद मिलेगी। जीवन में अपने परिवार, दोस्तों और जीवन साथी की भूमिका को पहचानेंगे। आज आपके स्वभाव में संयम और धीरज बना रहेगा, जिसके कारण आप अपनी सभी समस्याओं का हल आसानी से ढूंढ लेंगे। आज कारोबार में उम्मीद से ज्यादा मुनाफा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज अपनी सोच को सकारात्मक रखें। ऑफिस के रुके हुए कार्य निपटाने की कोशिश करेंगे, जिनमें आप सफल भी रहेंगे। आज रूठे हुए साथी को मनाने के लिए उनका मनपसंद व्यंजन बना के उन्हें खिला सकते हैं। परिवार से जुड़ा कोई भी फैसला सोच समझ कर लीजिए। जल्दबाजी बिल्कुल न करें। किसी काम को कल पर टालने से आज आपको बचना चाहिए। आज आप परिवार वालों के साथ समय बिताएंगे, जिससे पारिवारिक रिश्ते और मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आज आपका मन नए काम करने में लगेगा। आज आपके बिजनेस में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। विद्यार्थी आज कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। आज बिना वजह विवादों में फंसने से बचें। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। लवमेट से आज उपहार मिलेगा, जिससे आपको प्रसन्नता होगी। दांपत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी। कहीं बाहर घूमने का प्लान भी बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका ध्यान ऑफिस के कार्यों को पूरा करने में लगा रहेगा। अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए भी आज का दिन अच्छा है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आज आपका आत्मविश्वास आपके लिए सफलता की कुंजी साबित होगा। सरकार से संबंधित काम करवाने के लिए आपको थोड़े धैर्य से काम लेना होगा। बच्चों की कामयाबी पर आप गर्व महसूस करेंगे। आज आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। भाई बहनों का सहयोग मिलता रहेगा। आज समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज जिससे भी मिलेंगे वो व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा। किसी से भी बात करते समय वाणी पर संयम बनाए रखें। अपने करियर को लेकर आज आपके मन में दुविधा होगी, लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति से बात करके बात सॉल्व भी हो जाएगी। आज आपका स्वास्थ्य पहले से ठीक रहेगा। बच्चे भाई बहन के साथ गेम्स खेलने का प्लान बनाएंगे। आज दाम्पत्य जीवन पहले की अपेक्षा काफ़ी बेहतर होगा। आज आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज बुजुर्गों की सलाह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आज अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। आज आप सामाजिक कार्यों में सहयोग देंगे, जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शत्रु पक्ष आप पर हावी होने की कोशिश करेगा, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उन्हें असफल कर देंगे। नौकरी करने वाले लोगों को तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। ऑफिस में किसी बड़े अधिकारी का सहयोग मिलेगा। आज अचानक आपके किसी पुराने मित्र का फोन आएगा, जिससे आप कुछ पर्सनल बातें शेयर करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे। आज आप कुछ ज़्यादा ही जोश में रहेंगे। आज आप अपने बनाए प्लान में बदलाव करेंगे, जिससे आपको लाभ भी होगा। बिजनेस में भी कुछ नया करने की योजना बनाएंगे। आज आप दिल के बजाय दिमाग से काम लीजिए। व्यापार में आर्थिक लाभ होने से कर्ज से छुटकारा मिलेगा। आज परिवार वालों से गंभीर मुद्दे पर बात होगी। संगीत से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतरीन रहने वाला है। जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 1।
धनु राशि वालों, आज वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे, आपकी सैलरी में बढ़ोतरी भी होगी, जिससे आप आज पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। आज आप अपने सीनियर्स के प्रति अच्छा व्यवहार बनाए रखें। छात्रों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। आपके अच्छे प्रदर्शन का प्रभाव आपके करियर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आज आपके व्यापार में फायदे के आसार नजर आ रहे हैं। धन लाभ से आप अपने अटके हुए काम पूरे करने में सफल होंगे। आज घर के बड़ों की सलाह कारगर साबित होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज आपका रुझान आध्यात्म की तरफ ज्यादा रहेगा। आप घर वालों के साथ धार्मिक कार्यों में मन लगाएंगे। राजनीतिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज पड़ोसियों के बीच आपका मान सम्मान बढ़ेगा। साइंस से जुड़े छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा है। आज माता के साथ रिश्ते और बेहतर होंगे। बिजनेस में पिता का सहयोग प्राप्त होगा। आज आप अपनी जीवन शैली में बदलाव करेंगे। ये बदलाव आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे। लवमेट्स आज कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 8। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज जो भी काम शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। संतान की करियर को बेहतर दिशा देने के लिए आज आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेंगे। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के काम की सीनियर्स तारीफ करेंगे। आज सोशल मीडिया पर नए लोगों के साथ संपर्क में आएंगे, जिसका फायदा आपको भविष्य में मिलेगा। जीवन में चल रही समस्याओं से आज आपको छुटकारा मिलेगा। छात्र आज अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफल होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। आज सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देंगे। कार्यक्षेत्र में उम्मीद के अनुसार कामयाबी हासिल होगी। पारिवारिक मामलों में किसी बात को लेकर जीवन साथी से बात होगी। आज के दिन दूर की यात्रा करने से बचें। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए समय समय पर चेकअप कराते रहें। घर में नन्हे मेहमान के आने से परिवार में उत्सव जैसा माहौल बनेगा। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों का ट्रांसफर उनकी मनपसंद जगह पर हो जाएगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज चिड़ियों को बाजरा खिलाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज मजदूरों को पानी दें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपको अपनी मेहनत के बेहतर परिणाम मिलेंगे, जिससे आपको खुशी मिलेगी। मूलांक 2, आज का दिन माता पिता के साथ बिताएंगे, आपके व्यवहार से वो प्रसन्न होंगे। मूलांक 3, आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, साथ ही रुके हुए काम भी पूरे होंगे। मूलांक 4, रिश्तों के मामलों में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, पहले से चली आ रही समस्याओं का। मूलांक 5, पहले से चली आ रही समस्याओं का समाधान आज निकलेगा। मूलांक 6, मेडिकल कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों को जल्दी ही अपनी मेहनत का फल मिलेगा। मूलांक 7 का मतलब क्या है? 7 का मतलब जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ हो। ऐसे ही मूलांक 1 का मतलब क्या है? जिसका किसी भी महीने की पहली को, 10 को, 19 को और 28 तारीख को, सबके जोड़ 1 आते हैं। ऐसे ही 2 क्या है? 2, 11, 20 और 29। ऐसे 3 क्या है? 3, 12, 21 और 30। ऐसे ही 4, 4, 13, 22 और 31। 5, आगे चलते हैं। अब आपने उम्मीद है कि आपको हमने मैसेज दिया, आप समझ गए होंगे। तो मूलांक 7 वालों, बच्चों के साथ आज समय बिताने पर आपको काफी खुशी महसूस होगी। और मूलांक 8, जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे, एक दूसरे की बातों को अच्छी तरह से समझेंगे। मूलांक 9, पैसों से जुड़े कोई भी फैसले ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर लें। मूलांक 9 का मतलब जिनका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को हुआ। 18, 8 और 1, 9, 27, 7 और 2, 9। तो इस तरह मूलांक किसी न किसी तारीख को तो आप पैदा हुए ही होंगे। जिस तारीख को पैदा हुए हैं उससे रिलेटेड आपका मूलांक और उससे रिलेटेड आपका आज का फल। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पति पत्नी के कमरे में हाथी का जोड़ा रखने के बारे में। शयन कक्ष में हाथी की मूर्ति रखने से पति पत्नी के बीच प्यार तथा सम्मान का भाव बढ़ता है। शयन कक्ष के अलावा तिजोरी के दरवाजे पर सूंड उठाए हुए 2 हाथियों के बीच माता लक्ष्मी की बैठी हुई तस्वीर लगानी चाहिए, और उस तिजोरी वाले कमरे में क्रीम या ऑफ व्हाइट कलर कराना चाहिए। इससे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा आर्थिक संकटों से बचने के लिए हाथी के पाँव के नीचे की मिट्टी को
कुएं में डालिए। लेकिन अगर आप अपनी याददाश्त बढ़ाना चाहते हैं तो उस मिट्टी को घी और पानी से सान कर 6 गोलियां बना लें और उसमें सिंदूर लगाकर एक डिब्बी में रखकर अपने कमरे की दक्षिण पश्चिम दिशा में छुपा कर रख दें। अगर आप अपने दुश्मनों पर विजय पाना चाहते हैं, बिना लड़ाई झगड़े के सब सुलझाना चाहते हैं, तो आपको हाथी के महावत को अंकुश गिफ्ट करना चाहिए। किसी रियल हाथी के रियल महावत को अंकुश, रियल अंकुश गिफ्ट करिए, बड़ा फायदा होगा। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा पति पत्नी के कमरे में हाथी का जोड़ा रखने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर अपने घर का वास्तु बेहतर बनाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और गुरुवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज रात 10:54 तक रहेगी। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को दामोदर द्वादशी का व्रत करने का विधान है। ये व्रत मुख्यतः उड़ीसा में किया जाता है। दामोदर द्वादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। बता दूं कि भगवान विष्णु के कई नामों में से एक नाम दामोदर भी है। आज नित्य कार्यों से निवृत्त हो साफ स्नान करने के पश्चात साफ वस्त्र धारण कर बिना अन्न ग्रहण किए इस व्रत का पालन करना चाहिए। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाने के बाद मिठाई का भोग लगाना चाहिए। फिर धूप पुष्प और जल अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र और भागवत का पाठ करना चाहिए। तत्पश्चात अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद को वस्त्र और अन्न का दान करना चाहिए। दामोदर द्वादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही जातक को सहस्त्र गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो ये थी चर्चा दामोदर द्वादशी की, और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज शाम 6:18 तक प्रीति योग रहेगा। प्रीति योग का अर्थ है प्रेम। ये योग प्रेम का विस्तार करने वाला है। इसके अलावा आज रात 10:42 पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से 20वां पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं, लिहाजा आज शुक्राचार्य के उपाय करना भी लाभकारी सिद्ध होगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की राशि धनु है और इसका प्रतीक चिन्ह हाथ के पंखे को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध जलवेतस के पेड़ से बताया गया है। जलवेतस के पेड़ को केन के अंग्रेजी में केन जिसकी छड़ी बनती है, केन के नाम से भी जाना जाता है। लिहाजा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों को आज जलवेतस यानी केन के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही आज रात 10:24 पर शुक्राचार्य हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 30 अगस्त की सुबह 7:16 तक हस्त नक्षत्र में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये थी चर्चा प्रीति योग, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और शुक्र के हस्त नक्षत्र में गोचर के बारे में। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले खास उपायों के बारे में। अगर आपकी उम्र शादी के लायक हो गई है और आपको एक अच्छे जीवन साथी की तलाश है, तो आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के दौरान शुक्राचार्य के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम द्रां द्री द्रौं सह शुक्राय नमः। मंत्र जाप करने के बाद किसी मंदिर में इत्र का दान करें। आज ऐसा करने से आपको जल्द ही एक अच्छे जीवन साथी की तलाश आपकी पूरी होगी। अगर आप अपने शत्रुओं की नित नई चालों से परेशान हैं, तो अपने शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए आज किसी कुम्हार के घर जाकर कुल एक मिट्टी का बर्तन खरीद कर लाएं, और ध्यान रहे उस बर्तन पर ढक्कन जरूर होना चाहिए। घर लाने के बाद उस बर्तन को एक जगह रख दें। अब एक सफ़ेद कोरे कागज़ पर अपने शत्रु का नाम लिखें और उस पर शुक्र के मंत्र का 5000 बार जाप करें। मंत्र है ओम द्रां द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। इस प्रकार मंत्र जाप के बाद उस कागज की पर्ची बनाकर कुम्हार के घर से लाए मिट्टी के बर्तन में डाल दें और उस पर ढक्कन लगाकर घर से दूर कहीं वीराने में छोड़ाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही शत्रुओं की नित नई चालों से छुटकारा मिलेगा। अगर आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, तो अपने जीवन साथी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज एक कटोरी में जौ को पीसकर बनाया गया सत्तू लेकर उस पर अपने जीवन साथी के हाथों का स्पर्श कराकर मंदिर या किसी धर्म स्थल पर दान कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहने लगेगा। अगर आप अपने बिजनेस संबंधी किसी डील को लेकर परेशान हैं और उसकी वजह से आप किसी अन्य काम में अपना मन नहीं लगा पा रहे हैं, तो आज गाय का घी लेकर देवी लक्ष्मी के मंदिर में दान करें और दोनों हाथों से माता के पैर छूकर आशीर्वाद लें। आज ऐसा करने से आपके बिजनेस संबंधी डील में चल रही परेशानी का हल निकलेगा। अपने दांपत्य संबंधों की मजबूती को बरकरार रखने के लिए आज अपने जीवन साथी के साथ किसी साफ पानी के स्रोत, किसी नदी, तालाब या पोखर के पास जाएं
और वहां जाकर उस स्रोत के जल को दोनों हाथों में लेकर वरुण देव का ध्यान करते हुए और अपने रिश्ते की मजबूती के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए जल को धीरे धीरे करके वापस उसी पानी के स्रोत में डाल दें। लेकिन अगर आपका जीवन साथी किसी काम में व्यस्त है या आपसे कहीं दूर है तो आप स्वयं ही साफ पानी के किसी स्रोत के पास जाकर अपने और अपने जीवन साथी के निमित्त ये उपाय कर लें। और अगर आप किसी ऐसी जगह पर न जा पाएं तो घर पर ही नल का साफ पानी लेकर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके वरुण देव का ध्यान करते हुए ये उपाय कर लें। आज ऐसा करने से आपके दाम्पत्य संबंधों की मजबूती हमेशा बरकरार रहेगी। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि को बनाए रखना चाहते हैं तो आज अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के आगे घी का दीपक जलाएं और उनसे हाथ जोड़कर अपने घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। साथ ही देवी माँ को पुष्पांजलि भी अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि में इजाफा होगा। अगर आपको लगता है कि आपके दाम्पत्य जीवन को किसी की बुरी नज़र लग गई है और अब आपके जीवन में पहले ऐसा प्यार नहीं रहा तो नज़र दोष से बचाव के लिए आज एक मिट्टी के दिए में दो कपूर की टिक्कियां जलाएं, उसे पूरे घर में धूप दिखाएं और धूप दिखाने के बाद उस जलते हुए दिए को अपने घर के बाहर रख दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य संबंधों को लगी बुरी नज़र हट जाएगी। अगर आपके जीवन में परेशानियों का अंबार लग गया है और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो ऐसे में परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज से शुरू करके अगले पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र तक प्रतिदिन एक नीले रंग का फूल लेकर घर के बाहर किसी गंदे नाले में बहा दें। जीवन के हर क्षेत्र में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए आज आपको जलवेतस यानी केन के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए, उसकी जड़ में पानी डालना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज आप जलवेतस यानी केन के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को या उसकी लकड़ी से बने फर्नीचर को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं। अगर उपासना के लिए आपको जलवेतस यानी केन का पेड़ न मिले तो इंटरनेट से उसकी फोटो डाउनलोड करके उसके दर्शन कर लें। अगर आप अपने करियर को एक बेहतर दिशा देना चाहते हैं उसके लिए आज एक नया मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें पानी भरकर किसी मंदिर में या किसी सुपात्र ब्राह्मण के घर दान कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने करियर को एक बेहतर दिशा देने में सफल होंगे। अगर आपके घर में काफ़ी दिनों से लक्ष्मी जी का आगमन नहीं हो रहा है और आपको आर्थिक तंगी से दोचार होना पड़ रहा है तो आज माता महालक्ष्मी की आराधना करें और उनके इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। लेकिन अगर आपको इस मंत्र को बोलने में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो आप केवल श्रीं ह्रीं श्रीं बस तीन अक्षर जपिए, तीन बीज श्रीं ह्रीं श्रीं इतना जाप कर लें, क्योंकि लक्ष्मी जी का एकाक्षरी मंत्र तो श्रीं ही है और ह्रीं माया बीज है। श्रीं ह्रीं श्रीं आज माता महालक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करने से आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन होगा। तो ये सारी चर्चा थी आज दामोदर द्वादशी, प्रीत योग और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आज आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करेंगे। बी, व्यापारी वर्ग के लोगों को कम मेहनत में अधिक लाभ होने के योग बन रहे हैं। सी, घर पर सभी सदस्यों के साथ डिनर का आनंद उठाएंगे जिससे सबके बीच मधुरता बढ़ेगी। डी, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, कुछ नए दोस्त बनेंगे। ई, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, रेड लाइट ग्रीन होने पर ही आप रोड क्रॉस करें। एफ, लवमेट्स एक दूसरे से फोन पर बात करेंगे जिससे आपके रिश्ते और अच्छे होंगे। जी, कोई भी किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। एच, आज आपको किस्मत का साथ मिलेगा, जो भी काम शुरू करेंगे उसे पूरा कर लेंगे। आई, आज आपको किसी काम में कोई फैसला लेना पड़ेगा, बेहतर होगा परिवार वालों की सलाह ले लें। जे, आपके लिए आज का दिन फेवरेबल है, आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी।
के आज आप किसी की आर्थिक मदद करेंगे जिससे आपके मन को संतुष्टि मिलेगी। एल, छोटे बच्चों के प्रति आपका व्यवहार बदलेगा जिससे वो आपसे खुश होंगे। एम, आज कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं लेकिन कई लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा। एन, आज का दिन परिवार वालों के साथ बिताएंगे, पारिवारिक रिश्ते और भी मजबूत होंगे। ओ, कारोबार में नई योजनाओं को लागू करने से आपको फायदा ही फायदा होगा। पी, चारों ओर होने वाली गतिविधियों पर नजर बनाए रखें वरना कुछ सुनहरा मौका आपके यहाँ से निकल सकता है। क्यू, आज का वातावरण आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। आर, आपका मन आध्यात्मिक जगहों पर रहेगा जिससे आप कोई धार्मिक पुस्तक पढ़कर समय व्यतीत करेंगे। एस, आज आपको अचानक कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। टी, करियर में कुछ बदलाव होने की संभावना बन रही है, जल्द ही तरक्की की कोई किरण नजर आएगी। यू, आज का दिन घरेलू कामकाज में बीतेगा, शाम तक आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। वी, आज आप अपनी आदतों में बदलाव करेंगे जिससे आपका जीवन और सुखमय हो जाएगा। डब्ल्यू, प्रोफेशनली आज का दिन बेहतरीन रहेगा, साथ ही आपका मन पूरा दिन प्रसन्न रहेगा। एक्स, पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आएगी, जीवन साथी के साथ तालमेल बना रहेगा। वाई, आज आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, कोई लापरवाही करने से बची। जेड, आज नया काम शुरू करने में आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। और अब बात आज के तीर्थ की। ओंकारेश्वर हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जी, तो आज हम आपको दर्शन कराएंगे ओंकारेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के। यहां मां नर्मदा स्वयं ओम के आकार में बहती हैं। ये पवित्र ज्योतिर्लिंग नर्मदा के उत्तरी तट पर ओंकार पर्वत पर एक द्वीप के रूप में बना हुआ है। हिंदुओं में सभी तीर्थों के दर्शन के पश्चात ओंकारेश्वर के दर्शन व पूजन का विशेष महत्व है। तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लाकर ओंकारेश्वर में अर्पित करते हैं, तभी सारे तीर्थ पूर्ण माने जाते हैं। इसका प्राचीन नाम अमरेश्वर महादेव भी है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। अच्छा, आपको एक बात कहता हूँ, देखिए हम जैसे आपको ज्योतिर्लिंग आजकल दिखा रहे हैं, आप दर्शन तो कर रहे हैं, आप एक थाल रख लो, लोटा रख लो, और जब वो ज्योतिर्लिंग दिखे तो उस लिंग को स्मरण करते हुए जल अर्पित कीजिए। यकीन मानिए, भावना में ही भगवान है। पूरे मनोयोग से करेंगे तो उस ज्योतिर्लिंग को आपका जल अवश्य पहुंचेगा। अपने घर में ही करो ना, तो ज्योतिर्लिंग को आप समर्पित कीजिए। अब पैंडेमिक काल में तो आप वहां नहीं जा सकते ना, बहुत जगहों पे जाना मुश्किल भी हो, आप अभी एडवाइजेबल भी नहीं है, लेकिन हम आपको दर्शन तो करा रहे हैं ना, लिंग दिखा रहे हैं हम आपको, भोलेनाथ दिख रहे हैं, तो आप अब जल अपने घर में नीचे थाली रख लो, लोटा लीजिए, जल चढ़ाइए, वो जल किसी पवित्र उसमें गमले उमले में कहीं कर दीजिएगा। करिए करिए, बड़ा फायदा होगा। सामुद्रिक शास्त्र में अब बात सामुद्रिक शास्त्र की चर्चा, तो सामुद्रिक शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे वर्गाकार ललाट के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के ललाट यानी माथे की ऊंचाई और चौड़ाई दोनों एक समान और सीधी होती है, वो लोग शरीर से तो बड़े ही हृष्टपुष्ट होते हैं, ये खाने पीने के शौकीन होते हैं, इसके अलावा ये लोग बड़े ही सुव्यवस्थित और अनुशासन प्रिय होते हैं, ये अपने हर काम को पूरी योजना के साथ करते हैं। ये लोग समय के पाबंद होते हैं और अपनी भावनाओं की अपेक्षा अपने काम को अधिक महत्व देते हैं। इनके अंदर देशभक्ति की लगन होती है, ये बड़े ही ईमानदार और परिश्रमी होते हैं, और अपने इन्हीं सब गुणों के कारण ये लोग सेना पुलिस या अन्य बहादुरी वाले कामों को करने का जज्बा रखते हैं। ये लोग खुद जितने आदर्शवादी होते हैं उतना ही आदर्शवादी दूसरों को भी बनाने की कोशिश करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा वर्गाकार ललाट के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 19 अगस्त को श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथि में पुतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। द्वादशी तिथि आज रात 10:54 तक रहेगी, उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 8:50 तक रहेगी। त्रयोदशी तिथि में बैंगन का सेवन करना निषिद्ध है, ये आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। अतः आज रात 10:54 तक आपको पुतिका यानी पोई के साग का सेवन अवॉइड करना चाहिए, जबकि उसके बाद कल रात 8:50 तक आपको बैंगन का सेवन करने से बचना चाहिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है, तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। और अब
सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत रिंग 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 फट फट ठा ठा एहि एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज बकरी को घास खिलाइए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 01244721000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।